الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر وقال النبي صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم
बुजुर्गों और भाइयों, आज असर के बाद सूर्य अलक की शुरू की 5 आयतें जो कुरान करीम की सबसे पहली वही है, उनके सिलसिले में बयान कर रहा था एक मस्जिद में, पता नहीं कौन सी मस्जिद थी, ये करीब में ही है, ये नाम भी कुछ समझ में नहीं आते क्या नाम। दो आयतें मैंने बयान की और इफ्तारी का वक्त हो गया, 3 आयतें रह गई, तो मैं मुनासिब समझता हूं कि वो 5 आयतें भी बयान कर दूं, फिर 2-3 आयतें और मैंने पढ़ी हैं, 2-3 हदीसें और पढ़ी हैं, एक ही मौजू से मुताल्लिक हैं, इन सब आयात और अहादीस को आप हजरात की खिदमत में अर्ज कर दूं। आज की मजलिस का यही मौजू है। अलबत्ता बात शुरू करने से पहले कल की एक गलती की इसलाह जरूरी है। कल मैंने एक आयत करीमा पढ़ी थी सूरह हूद की, अकीम सलात तरफ़ नहारे व जुलफम मिनल्लैल। जुलफम मिनल्लैल का सही तर्जमा मैंने नहीं किया था, गलती हो गई थी मुझसे, इसलिए उसकी इसलाह होनी चाहिए। किसी के जहन में वो बात बैठी रह जाए और गलत बात उसके जहन में बैठी रह जाए। उस आयत करीमा का तर्जमा ये है, नमाज का एहतमाम कीजिए। एक है नमाज पढ़ना, नमाज अदा करना, और एक है नमाज का एहतमाम करना, दोनों में बहुत फर्क है। नमाज पढ़ना तो वही है जब हम नियत बांधते हैं और 2 रकात या 4 रकात पढ़कर सलाम फेर लेते हैं तो नमाज हमने पढ़ ली, ये तो नमाज पढ़ना है। लेकिन नमाज का एहतमाम करने में बहुत बातें हैं। नमाज में जितने फराइज हैं, 6 फर्ज हैं, उन तमाम फराइज का अदा करना जरूरी है। अगर एक फर्ज भी रह गया तो नमाज खत्म। नमाज में कुछ चीजें वाजिब हैं, उनका भी अदा करना जरूरी है। अगर भूल से कोई वाजिब छूट जाए तो आखिर में सजदे सहव करना जरूरी है, और अगर जानबूझकर कोई वाजिब छोड़ दिया जाए तो वो नमाज दोबारा पढ़ना जरूरी है, सजदे सहव से तलाफी नहीं होगी। नमाज में बहुत सी बातें सुन्नत हैं, उन तमाम बातों का लिहाज करना जरूरी है, उससे नमाज शानदार होती। और अगर ना सुन्नत छोड़ दी जाए तो नमाज नाकिस होती, और नाकिस होती है और सजदे सहव से तलाफी नहीं होगी, और दोबारा दोबारा भी नहीं पढ़ी जाएगी, दोबारा भी नहीं पढ़ी जाएगी, सजदे सहव नहीं होगा, नमाज नाकिस हुई। नमाज में कुछ मुस्तहबात हैं, मंदूबात हैं, कि उनका नमाज में लिहाज करना जरूरी है, अगर उनका लिहाज किया जाए तो बहुत शानदार नमाज होगी, और अगर उनका लिहाज नहीं किया जाएगा तो नमाज भूंडी होगी। नमाज में कुछ काम हराम हैं, उन कामों से बचना जरूरी है। अगर कोई भी ऐसी बात जो नमाज में हराम है वो कर ली तो नमाज खत्म। मसलन नमाज में खा नहीं सकते, नमाज में पी नहीं सकते, नमाज में बात नहीं कर सकते,
नमाज में चल नहीं सकते, अमले कसीर नहीं कर सकते, हराम है। किसी ने बात कर ली, नमाज खत्म। बात पागल, जाहिल अरब नमाज पढ़ रहे हैं, टेलीफोन की घंटी बजी, जेब में से निकाल, अनाफिस सलाह। कहाँ फिर सलाह है, तेरी नमाज तो टूट गई। नमाज में कुछ चीजें मकरू तहरीमी हैं, अगर उन मकरू तहरीमी बातों में से कोई किसी बात का इर्तिकाब हो गया तो वो नमाज वक्त के अंदर वाजिबुल अदा है, दोबारा वो नमाज पढ़नी जरूरी है वक्त के अंदर। और नमाज का वक्त गुजर गया तो फिर उसके बाद उस नमाज का इआदा मुस्तहब है, सजदे सहव से काम नहीं चलेगा। कुछ चीजें नमाज के अंदर मकरू तंजीही हैं, उनसे बचना जरूरी है। अगर उसका लिहाज करोगे नमाज शानदार होगी, नहीं करोगे नमाज बूंदी होगी। मसलन नमाज में आप नमाज पढ़ें तो अपनी नजर फला जगह रखें, कयाम में फला जगह रखें, कायदे में फला जगह रखें, रुकू में फला जगह रखें, सजदे में फला जगह रखें। अगर इसका लिहाज नहीं किया, नमाज पढ़ रहा उधर भी देख रहा है, यूं भी देख रहा है, यूं भी कनखियों से देख रहा है, सब नजर घुमा रहा है, नमाज बूंदी होगी। नमाज में गर्दन फिराए बगैर सिर्फ नजर से इधर उधर, आगे देखना, ऊपर देखना, दाएं देखना, बाएं देखना, और गर्दन न घुमाई जाए तो ये मकरूह तंजीह है। इसका लिहाज रखोगे नमाज शानदार होगी, और उसका लिहाज नहीं रखोगे नमाज भूंडी होगी। कुछ चीजें नमाज से बाहर हैं, उनका लिहाज करना है। नमाज से बाहर है, नमाज की माहियत में नहीं है, उसकी डेफिनेशन में नहीं है, उससे बाहर है, उनका लिहाज करना जरूरी है। शानदार लिबास पहनकर नमाज पढ़नी चाहिए, अल्लाह का हुक्म है कुरान करीम में, खुजू ज़ीनतकुम इंद कुल्ल मस्जिद, खुजू ज़ीनतकुम इंद कुल्ल मस्जिद। जब भी नमाज पढ़ो तो शानदार मुजैन नमाज पढ़ो, जीनत लो, जीनत लेकर, ब्यूटी लेकर नमाज पढ़ो। इस आयत करीमा में यह है कि अगर आपके पास कपड़े अवेलेबल हैं तो आप तीन कपड़ों में नमाज पढ़िए। एक पाजामा, पैरों का कपड़ा, चाहे वो लुंगी हो चाहे कुछ हो, उस पर कुर्ता, और सर पर इमामा या टोपी। ये तीन कपड़े, इससे आदमी मुजैन खूबसूरत बनता है। और अल्लाह का हुक्म है खुजू ज़ीनतकुम इंद कुल्ल मस्जिदिन, जब भी आप मस्जिद में जाएं नमाज पढ़ने के लिए। मस्जिद में कौन सी नमाज पढ़ने जाएंगे, फर्ज नमाज। तो मस्जिद में जब आप फर्ज नमाज पढ़ने के लिए जाएं तो शानदार लिबास पहन कर जाएं। अब ये नमाज के अंदर माहियत में नहीं, बाहर की चीज, लेकिन ये बाहर की चीज होकर के नमाज को शानदार बनाती। यहां रुक करके एक मसला समझो, बाज लोग कहते हैं खुले सर नमाज नहीं होती, बगैर टोपी के नमाज नहीं होती। हो जाती, कौन मना करता नहीं होती, लेकिन कैसी होती है ये भी तो पूछ। किसने कहा है खुले सर नमाज नहीं होती, कुर्ता भी निकाल दे, कुर्ता निकाल कर भी हो जाती। नाफ से लेकर घुटने के नीचे तक यही तो सतर है, इस सतर को छुपाकर नमाज पढ़नी जरूरी है। अगर नंगा पा सतर का हिस्सा खुला हुआ है तो नमाज नहीं होगी।
लेकिन अगर किसी के नाप से घुटने के नीचे तक का बदन छुपा हुआ है तो नमाज हो जाएगी। कुर्ता भी क्यों पहनता है? तो टोपी के बगैर नमाज होगी नहीं होगी एक अलग मसला है, कुर्ते के बगैर भी नमाज हो जाती है। ये पूछ, टोपी के बगैर नमाज कैसी होगी? तो नमाज होगी या नहीं होगी ये मत पूछो, ये पूछो टोपी के बगैर नमाज कैसे कैसी होगी। तो मैं कहूंगा कुर्ते के बगैर नमाज कैसी होगी तू बता दे। एक शख्स है बेचारा गरीब है, उसके पास कुर्ता है ही नहीं। एक शख्स है गरीब है, उसका कुर्ता है ही नहीं। आप कहेंगे ऐसा गरीब भी दुनिया में कौन है जिसके पास कुर्ता ना हो? आपने दुनिया देखी ही नहीं, आप अमेरिका में रहते हैं। दुनिया अहवाल लोगों के अजीब हैं, ऐसे बेशुमार लोग हैं जिनके पास में दो कपड़े पहनने को नहीं है, एक ही कपड़े में जिंदगी गुजारते। हदीस शरीफ में एक किस्सा आया है, नबी ये पाक सल्लल्लाहु तआला, आगे सिमट के बैठो ताकि लोग जो आ रहे हैं वो करीब बैठे, बीच में जगह भर दो। हदीस शरीफ में एक किस्सा आया, बड़ा अच्छा सुनो। नबी ये पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबा की मजलिस में बैठे हुए थे। एक खातून आई, ये मदीना के नहीं है, बाहर की किसी कबीले की खातून है जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है, और कोई काफला आने वाला मिला तो हिजरत करके मदीना आ गई, अपना घर बार सब छोड़ छाड़ करके आ गई। उसने हुजूर की मजलिस में आकर के ये दरखास्त की कि मेरा निकाह किसी से कर दिया जाए। हुजूर खामोश। एक सहाबी बोले, वो सहाबी भी बेचारे मदीना के नहीं थे, वो भी किसी कबीले के थे जो मुसलमान होकर हिजरत करके मदीना में आ गए हैं, कोई घर नहीं है कोई बार नहीं है, वो जो कुछ सामान है वो मस्जिद नबी में सुफा चबूतरा था वहीं सामान पड़ा हुआ है, और वो तालिब इलम है। वो बोले, या रसूल अल्लाह मेरा निकाह इनसे कर दीजिए। तो हुजूर ने पूछा, तुम्हारे पास में मेहर में देने के लिए क्या है? तो उन्होंने कहा, या रसूल्ला मेरी ये लुंगी है। उनके पास सिर्फ एक लुंगी पहने हुए थे, कहने लगे मेरी ये लुंगी है। मुझे तो इस हदीस में यही बताता कि एक सहाबी मस्जिद नबी में बैठा हो, हुजूर के मजलिस में, उसके पास सिर्फ लुंगी है, कुर्ता फुर्ता बेचारे पास कुछ नहीं। वो अपने कबीले में मुसलमान हुआ है, मुसलमान होकर सब घर बार छोड़कर भाग कर बेचारा हिजरत करके मदीना में आ गया है, कहां से होगा उसके पास? हुजूर ने फरमाया, लुंगी से कैसे काम चलेगा? देखो ये जहन में रहना चाहिए, हुजूर के जमाने में औरतें भी लुंगी पहनती थी, ये जहन में रहना चाहिए। हुजूर के जमाने में खवातीन भी लुंगी पहनती थी, मर्द भी लुंगी पहनते थे, पजामों का रिवाज बहुत कम था, पजामे भी थे लेकिन बहुत कम रिवाज था, मर्द और औरतें सब लुंगी पहनते, और मर्द और औरतें सब नंगे पैर चलते थे, चप्पल जूते किसी के पास नहीं होते थे, कोई बड़ा आदमी हो हुजूर जैसा तो उसके पास चप्पल होते थे, बाकी आम लोगों के पास, मर्दों के पास औरतों के पास कुछ नहीं, नंगे पैर चलते थे, घर से वजू करके मस्जिद में भी नंगे पैर ही आते थे नमाज पढ़ने। तो हुजूर ने फरमाया, भाई लुंगी से कैसे काम चलेगा? अगर ये लुंगी तू मेहर में इस औरत को दे देगा तो तू क्या पहनेगा? तेरे पास यही तो एक लुंगी है, और अगर तूने ये लुंगी मेहर में मुकर्रर तो कर दी मगर बीवी को दी नहीं, तूने खुद तू खुद पहने रहा, तो मेहर कहां दिया है? तो जुबानी जमा खर्च किया। यहां से एक मसला यह है कि निकाह में जो मेहर है मुकर्रर होता है वो देना है, सिर्फ जुबानी जमा खर्च करना नहीं है। हदीस शरीफ में है कि अगर किसी शख्स ने निकाह में मेहर मुकर्रर किया और उसकी नीयत देने की नहीं है,
दिल में मेहर देने की नीयत नहीं है तो हुजूर ने फरमाया वो जानी है। यहाँ आ जाओ जाफरी साहब, क्या नाम इनका, इधर आ जाओ यार आपके लिए। हुजूर ने फरमाया उसकी पहले से नीयत है कि मुझे मेहर देना वेना कुछ नहीं, तो अब वो जो निकाह तो हो जाएगा लेकिन निकाह होकर जो बीवी से सोहबत करेगा हुजूर ने फरमाया वो जिना। लिहाजा निकाह में मेहर देना है, देना है, पक्के इरादा देने का है। फिर अगर औरत खुश दिली से माफ कर दे तो अलग मसला है। और इसका जिक्र कुरान करीम में है, फइन तिबन लकुम अन शैई मिनहु नफ्सन फकुलूहु हनी अमरिया। खुश दिली से, वाकई खुश दिली से माफ कर दे, किसी दबाव से नहीं, शर्मा शर्मी में नहीं। तो जब मेहर देना है तो अब अगर ये लुंगी बीवी को दे देंगे निकाल कर, तो ये क्या पहनेगा? और अगर ये नहीं दिया, मेहर में मुकर्रर तो होगी लुंगी लेकिन देनी वेनी कुछ नहीं है, और खुद ही पहने रहा तो मेहर कहां हो? मुझे तो इस किस्से में, इस वाकये में ये बतलाना था कि एक कपड़े वाले बहुत लोग थे उस वक्त में, और आज भी आप तो इस मुल्क में है, हमारे मुल्क में आकर देखो, बाज हिंदू छोटी छोटी जातों के चमार हैं, भंगी हैं, उनमें बाज नौजवान मुसलमान हो जाते हैं, और मुसलमान होकर बेचारे घर से चल देते हैं, उनके पास खाने को रोटी नहीं होती उन नौ मुस्लिमों के पास। एक हदीस शरीफ है, किसी ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मसला पूछा कि या रसूल अल्लाह एक कपड़े में नमाज होती है? एक कपड़ा यानी सिर्फ लुंगी में नमाज होती है? हुजूर ने फरमाया अवलकुल्लिकुम सौबान, क्या तुम में से हर एक के पास दो कपड़े हैं? नहीं है। बहुत से ऐसे थे हुजूर के जमाने के, उनके पास दो कपड़े नहीं थे। बस ऐसी सूरत में अगर नमाज के सही होने के लिए दो कपड़ों की शर्त लगा दी जाएगी तो ये बहुत से बंदे बेचारे कैसे नमाज पढ़ेंगे? तो एक मसला ये है कि नमाज कितने में, कितने कपड़ों में हो जाती है? एक कपड़े में हो जाती है, नाफ से लेकर घुटने के नीचे तक का बदन छुपा हुआ है तो नमाज हो जाती है। लेकिन किसी के पास कपड़े हैं, इससे जायद कपड़े हैं, तो कुरान ने कहा है खुदू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ल मस्जिद, जब भी तुम मस्जिद में फर्ज नमाज पढ़ने के लिए जाओ तो शानदार लिबास पहन करके जाओ। ये शानदार लिबास, कुछ लोग फिर ये कहते हैं कि अब तो खुले सर रहना फैशन है, बड़े से बड़े लाड साहब के सामने खुले सर हम जाते हैं और इसको बुरा नहीं समझा जाता। तो सवाल ये कि खुले सर रहना जो फैशन है, ये इस्लाम का फैशन है, तरीका है, तहजीब है, या गैरों की तहजीब और तरीका है? जाहिर है कि ये तरीका गैरों का है, और कुरान और हदीस जो अहकाम देगा तो गैरों के तरीके का अहकाम देगा, या जो इस्लामी तहजीब और कल्चर और सिविलाइजेशन है उसको पेश नजर रखकर अहकाम देगा? आज भी वो साहब जो ये कहते हैं कि हम अगर किस बड़े से बड़े आदमी के पास खुले सर जाते हैं, वही साहिब अगर जरा भी उनमें तहजीब और सलीका हो और किसी बुजुर्ग के पास जाएंगे तो दूसरे से दस्ती रुमाल लेकर बांधेंगे और बांध कर जाकर अदब से बैठेंगे। ये वो इस्लामी तहजीब है। इसलिए मेरे भाइयों, जो कुरान और हदीस ने अहकाम दिए हैं वो गैरों के कल्चर और गैरों के तहजीब और गैरों के सिविलाइजेशन के अहकाम नहीं है, इस्लाम की तहजीब है। इस्लाम की तहजीब में सिर्फ कपड़ा पहनने से बदन नहीं छुपता है, सिर्फ कपड़ा पहनने से बदन नहीं छुपता है, कपड़ा इस तरह से पहनो कि नंगापा छुप जाए। कपड़ा पहनने से नंगापा नहीं छुपता, कपड़ा इस तरह पहनो कि नंगापा छुपे तो वो कपड़ा पहना आपने, वरना वो बेकार है। दलील, वो हदीस शरीफ याद करो, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन
मनहूस औरतों का जिक्र किया है, फरमाया रूबा कासियातिन आरियातिन, कुछ औरतें हैं जिन्होंने कपड़े पहन रखे हैं मगर नंगी हैं। अब पहले तो लोगों के समझ में नहीं आता था कि कपड़े पहन भी रखे हैं और नंगी भी है, ये दो बातें कैसे जमा होंगी। लेकिन अब तो सारी सड़क पर जितनी औरतें घूम रही हैं सब कपड़े पहने हुई और नंगी है। ये इस हदीस की शरह में बड़ी बहसें हैं, अकल में नहीं आते थे कि एक औरत है उसने कपड़े पहन भी रखे हैं और नंगी भी है, ये दो बातें कैसे जमा हो जाएंगे। आज की जो सूरत हाल पहले नहीं थी, लेकिन अब तो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि सड़क पर जितनी औरतें गुजर रही हैं 99% कपड़े पहने हुए हैं और सब नंगी। मालूम हुआ कि कपड़ा पहनने से बदन नहीं छुपता है, कपड़ा पहनो इस तरह से पहनो कि नंगापा छुपे तो आपने कपड़ा पहना है, और अगर आप कपड़ा इस तरह से पहनते हैं कि नंगापा नहीं छुपता है बल्कि पूरा नंगापा वाजे तौर पर नजर आता है तो आप कपड़े पहने हुए नंगे। समझो इस मजमून को। आज लोग कहते हैं कि पतलून पहन कर और ये पहन करके ये कपड़े पहन रखे, ये कपड़े नहीं पहन रखे, ये कपड़े पहन कर तुम नंगे हो। पहली सफ में जो पतलून वाले हैं उनको पिछले सफ में से देखो वो कैसे नंगे मालूम होते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, तुम जब ऑफिस में जाओ तो जो तुम्हें कपड़े पहनने हो पहनो, में मना नहीं कर रहा, लेकिन खुजू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ले मस्जिद, जब मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आओ तो इस्लामी लिबास पहन कर आओ। नमाज होती या नहीं होती है वो एक अलग मसले हैं, नमाज कैसी होती है ये भी देखना होता है। तो मैं ये कह रहा था कि कुछ चीजें नमाज से बाहर हैं मगर उनका नमाज में लिहाज करना है। इसी में मस्जिदें बनाना ये भी नमाज के एहतमाम में दाखिल है। अगर मस्जिदें नहीं होंगी लोग रेगुलर नमाजी नहीं बन सकेंगे, खैर बखैर नमाज हो जाएगी। हदीस शरीफ में फरमाया कि जहां तीन मुसलमान बसते हों और वो मिलकर जमात से नमाज न पढ़ें तो शैतान उन पर गालिब आ जाएगा। मालूम हुआ कि ये मस्जिदें जो बनाई जाती है नमाज के एहतमाम के लिए। फिर जमात, ये जमात ये भी नमाज के एहतमाम के लिए, मस्जिद में सब आ जाएं और अपना अलग अलग पढ़कर चले जाएं, नहीं, नमाज का एहतमाम नहीं, मस्जिद में आओ और मुअय्यना टाइप जमात से नमाज पढ़ो, ये नमाज का एहतमाम है। ये नमाज का एहतमाम कैसे है? ये नमाज का एहतमाम ऐसे है कि जमात से नमाज पढ़ने में अगर कुछ भी नहीं करेगा नमाज हो जाए। बस आओ नियत करो कि मैं इस इमाम की इख्तिदा में नमाज पढ़ रहा हूं, अल्लाहु अकबर, बस उसके बाद कुछ मत पढ़ो, जो इमाम करे वही करो, वो रुकू में गया तुम रुकू में जाओ, वो खड़ा हुआ तुम खड़े हो, वो सजदे में जाते वो सब करो, एक हर्फ मत पढ़ो। जब वो सलाम फिर अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, तुम भी सलाम फिर लो, नमाज हो गई। ट्रेन में जो भी बैठ गया वो मंजिल पर पहुंच जाता है, हालांकि जाता अंजन है, जाता अंजन है मगर डिब्बों में बैठा हुआ हर आदमी पहुंच जाता है। देखो नमाज में छह फर्ज हैं, छह फर्ज होने जरूरी है, उनके बगैर नमाज नहीं होती। क्या फर्ज हैं? कयाम, तो इमाम के साथ खड़ा तो है ही हो। किराअत, मुक्तदी के जिम्मे किराअत नहीं, किराअत इमाम के जिम्मे। रुकू, रुकू कर ही रहा है, सजदा, सजदा कर ही रहा है, कायदा, कायदा कर ही रहा है, तो सारे फराइज अदा हो गए। इमाम के साथ खड़ा है तो कयाम फर्ज अदा हो गया, इमाम के साथ रुकू किया तो दूसरा फर्ज अदा हो गया, इमाम के साथ सजदा किया तो तीसरा फर्ज अदा हो गया, इमाम के साथ उसमें कायदे में बैठा तो चौथा फर्ज अदा हो गया, और इमाम ने किराअत कर ली तो इसका फर्ज अदा हो गया। और निकलना खुरुज बे सुने ही, वो भी हो पाया गया, छह के छह फर्ज पाए गए, एक लफ्ज पढ़ा नहीं। तुमने कहा बड़ा अच्छा फार्मूला मिल गया, अब चुपचाप खड़े रहा करेंगे।
अब कोई सोचता होगा कि मौलाना साहब ने बड़ा अच्छा फार्मूला बता दिया, अब चुपचाप खड़ा है। मेरे भाइयों को ऐसा मत कीजिए, मैं तो वही मसला बता रहा हूं कि हो जाती है, हो जाना और है और कैसी होती है, दोनों में फर्क है। फिर एक शख्स उम्मी महज है, बेचारा कुछ बोलता जानता ही नहीं, उसकी नमाज शानदार हो जाएगी, बगैर कुछ किए शानदार हो जाएगी। और एक शख्स तस्बीहें पढ़ सकता है, तहियात पढ़ सकता है, दुरूद शरीफ पढ़ सकता है, और नहीं पढ़ेगा, चुपचाप खड़ा रहेगा तो हो तो जाएगी मगर अंधी नमाज होगी उस। तो कहीं गलतफहमी धोखे में ना आई हो। तो मैं ये कह रहा था कि देखो, एक हर हर आदमी अलग पढ़े और जमात से नमाज पढ़े, जमात से नमाज पढ़ने के बड़े फायदे। फिर जो अजाने दी जाती हैं ये नमाज के एहतमाम के लिए, फिर इमाम ऐसा ऐसा खूबियों वाला होना चाहिए ये नमाज के एहतमाम के लिए है, जितना शानदार इमाम होगा सारे नमाजियों की इतनी शानदार नमाज होगी। एक रिवायत है ज़ईफ सी कि जिसने किसी वली नेक बंदे के पीछे नमाज पढ़ी तो गोया उसने नबी के पीछे नमाज पढ़ी। ये कुछ बहुत आला दर्जे की सनद के एतबार से रिवायत नहीं, मगर रिवायत है और अकल से बात समझ में आती है कि जितना शानदार लीडर है, इमाम है, उसकी खूबियां नमाजियों की नमाज में आएंगी। और सिर्फ इमाम ही की नहीं, मजमे में जमात में अगर कोई नेक आदमी शामिल है तो उसकी खूबियां भी दूसरे नमाजियों की नमाज में जाएंगी। एक दिन याद है मैंने कहा था कि अकीमुस्सला की शरह में 2000 हदीसें हैं, वो 2000 हदीसों में ये सारे मजामीन हैं। ये जो 2000 हदीसें हैं, नमाज का एहतमाम करो, नमाज का एहतमाम कैसे किया जाएगा, उस सिलसिले में जो 2000 हदीसें हैं, उन 2000 हदीसों में ये सारे मजामीन। कुरान और हदीसों में कहीं ये नहीं आया कि नमाज पढ़ो, नहीं, सब जगह आया है युकीमुनस्सला, अकीमुस्सला, नमाज का एहतमाम करो, नमाज का एहतमाम करो। लिहाजा नमाज शानदार पढ़नी है, बेहतरीन कपड़ों में पढ़नी है, इस्लामी लिबास में पढ़नी है, और इस्लामी तहजीब में जो शानदार लिबास समझा जाता है उस लिबास में पढ़ो। मेरे एक उस्ताद थे दारुलूम देवबंद में, मिस्र के जामिया अजहर ने उनको मबूस किया था दारुलूम देवबंद में, शेख महमूद अब्दुल वहाब महमूद कुद्दसा सिर्रहू, इंतकाल हो गया, बड़े बुजुर्गों में से थे, मेरे उस्ताद थे, मैंने उनसे अरबी पढ़ी है और कुरान करीम की सब एतोल मैंने उन्हीं से हिफ्ज की। मिस्र के थे, मिस्र में गर्मी ज्यादा नहीं होती क्योंकि समंदर के किनारे है इजिप्ट, इजिप्ट समंदर के किनारे, वहां सर्दी गर्मी ज्यादा नहीं होती। और देवबंद की गर्मी खुदा की पना, ये जो लोग देवबंद पढ़े हुए वो जानते हैं, बड़ी सख्त गर्मी होती। तो गर्मियों के जमाने में उनके पूरे जिस्म में लाल लाल दाने निकल आते थे और कोई कपड़ा बेचारे नहीं पहन सकते थे, सिर्फ एक पजामिया यहां से यहां तक थी, वो ही पजामा पहनकर 24 घंटे रहते थे, कोई कपड़ा नहीं पहन सकते थे, फुंसियां लाल लाल, हमें देखकर रहम आता था, ऐसा हाल हो जाता। लेकिन जब फर्ज नमाज के लिए ऊपर से, उनका कमरा ऊपर था, वहां से जब फर्ज नमाज के लिए उतरते थे तो बनियान पहनते थे, बनियान पर तोप पहनते थे, वो तोप जो लंबा कुर्ता है जो हमारे इमाम साहब पहनते हैं, ये तोप पहनते थे, फिर उस तोप पर अबा पहनते ओढ़ते थे, अबा पहनते थे, उस अबा पर शाल ओढ़ते थे और दूल्हा बन करके आते थे मस्जिद में, दूल्हा बन करके आते थे और इतने सुकून से, मैंने कभी उनको कहीं खुजालते नहीं देखा, उन्होंने नीयत बांध ली, बस बांध ली, जरा कहीं हाथ उनको मैंने खुजालते नहीं देखा, पूरी नमाज बड़े सुकून से पढ़ते थे। फिर जब लौटते थे तो मैं तो खादिम था उनका, मैं साथ साथ होता था, तो कमरा खोलकर शाल निकालकर यूं मार कर फेंकते थे, कुर्ता निकालकर यूं फेंकते थे और अबा यूं फेंकते थे और सब नंगे हो जाते थे, वही पजामा, इतना झल्ला करके कपड़े फेंकते थे इधर उधर।
तो एक दिन मैंने उनसे कहा कि हजरत ये आप जो टॉप पहनते हैं, लंबा कुर्ता पहनते हैं काफी, अब इस पर आप अब्बा गर्मी में पहनते हैं तो सर्दियों में पहना जाता है, फिर उसके ऊपर आप एक गर्म शाल ओढ़ते हैं, इसकी क्या जरूरत है, ये सिर्फ टॉप काफी है। तो जानते हो मुझे क्या जवाब दिया, कहने लगे सईद इन्नी अस्तही मिन अल्लाह। कहा सईद मुझे अल्लाह के सामने जाते हुए शर्म आती, ये उन्होंने जवाब दिया। कहा सईद इन्नी अस्तही मिन अल्लाह, मेरे भाइयों ये पतलूने पहनकर अल्लाह के सामने मत जाओ, इस्लामी लिबास पहनो, इस्लामी कल्चर है, एक तहजीब है, ये तो लिबास ये तो कपड़े पहनकर नंगा है आदमी, आदमी भी नंगा है, औरतें भी नंगी हैं, पहने कपड़े पहने हुए हैं और सब नंगे हैं, इसलिए ऑफिस में और कारोबार में जो तुम्हें करना हो करो, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन कम से कम अल्लाह के सामने जाओ तो अल्लाह से शर्माओ, कपड़े पहनकर जाओ, ऐसे कपड़े पहनकर मत जाओ नमाज पढ़ने के लिए कि पहन कपड़े पहनकर भी नंगा है आदमी। ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मैं उस आयत पाक का तर्जमा कर रहा था, अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं अकीमिस सलाह, नमाज का एहतमाम कर, तरफ़ैन नहार दिन की दो साइड में, नहार दिन डे, इसकी एक इस साइड में नमाज का एहतमाम कर, एक इसकी इस साइड में नमाज का एहतमाम कर, इस साइड में फजर है और इस साइड में जोहर और असर है, ये तीन नमाजें आ गई, क्योंकि असर पढ़कर मगरिब आई, मगरिब रात हो गई, असर मगरिब पर डे खत्म हो गया, तो डे के दो साइड में। आप कहेंगे कि सूरज निकलता है जब डे शुरू होता है, वो लाड साहब के यहां, लाड साहब के यहां जब सूरज निकलता है तब डे शुरू होता है, इस्लाम में सुबह सादिक जब होती है तो डे शुरू हो जाता है, इसीलिए रोजा आपका सुबह सादिक से शुरू होता है, सूरज निकलने से शुरू नहीं होता, दुनिया के जो सिस्टम है उसमें अगर सूरज निकलने से डे समझा जाता है तो ये दूसरों की कल्चर है उनके हैं, इस्लामी तहजीब में सूरज सुबह सादिक से डे शुरू होता है, लिहाजा इस किनारे पर फजर और डे के इस किनारे पर जोहर और असर दो नमाजें रखी। कोई ये कहे कि जोहर तो मिड डे में पढ़ी जाती है, दोपहर को पढ़ी जाती है, आधे दिन में पढ़ी जाती है, वो साइड पर कहां है, उसका जवाब ये है कि ये कुछ फुकहाए किराम की राय है कि जवाल होते ही फौरन जोहर पढ़ो, ये कुछ फोकाहाए किराम की राय है, जैसे हजरत इमाम शाफई अलैहि रहमा की राय है कि हर नमाज वक्त होते ही फौरन पढ़ना मुस्तहब है, और यही राय इमाम अहमद अलैहि रहमा की है, और इसी वजह से सऊदिया वाले जवाल होते ही फौरन जोहर पढ़ते हैं तो वही अरबों में आगे चली, वरना कुरान और हदीस से ये बात सही नहीं है, और इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा का ये मजहब नहीं है, कुरान और हदीस से यह है कि नमाज जोहर की ताखिर करके पढ़ी जाए, जवाल होते ही फौरन न पढ़ी जाए। देखो ये आयत पाक कहती है कि नमाज डे के दो साइड में नमाजें पढ़ो, तो जोहर और असर यही साइड पर जानी, और हदीस शरीफ आला दर्जे की बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़्तद्दल हर्रु फअब्रिदु बिस्सलाह फइन शिद्दत अलहर मिन फैह जहन्नम, जब गर्मी सख्त हो जाए तो नमाज, जब वक्त ठंडा हो जाए तब जोहर पढ़ो, इसलिए कि गर्मी की तेजी ये जहन्नम के फैलाव का असर है, लिहाजा उस वक्त में नमाज मत पढ़ो, जब वक्त ठंडा हो जाए तब पढ़ो। तो हदीस भी आला दर्जे की है कि गर्मियों में देर करके पढ़ो, और ये आयत करीमा में ये कहती है कि हमने नमाजें रखी हैं एक डे के इस साइड पर, एक डे के इस साइड पर, और फरमाया वज़ुलफ़म मिनल लैल, और रात के कुछ हिस्से में नमाज का एहतमाम करो, ये सही तर्जमा है, कल जो मैंने तर्जमा किया था वो गलत था,
ज़ुल्फ़म मिनल लैल के माने रात के कुछ हिस्से में नमाज का एहतमाम करो, यानी रात शुरू होने के बाद। मैंने कहा था कि अल्लाह ने रात को सोने के लिए रखा है, उसमें कोई नमाज नहीं रखी, लेकिन रात शुरू होने के बाद में शुरू का थोड़ा सा हिस्सा है, उसमें कौन सोता है? लिहाजा रात के थोड़े से हिस्से में नमाज का एहतमाम करो। ये दो नमाजें हैं, मगरिब और ईशा। लिहाजा ये पांच नमाजों का इस आयत में जिक्र है, तहज्जुद का इस आयत में जिक्र नहीं है। कल जो मैंने कहा था जिससे कि ये ज़ुल्फ मिनल लैल से इशारा तहज्जुद की तरफ, ये गलती थी कल की। तहज्जुद का जिक्र है मगर सूरे बनी इसराइल में एक दूसरी आयत है, वहां है। इस आयत करीमा में पांच नमाजों का जिक्र है कि डे के इस साइड में नमाज का एहतमाम करो, इस साइड में एहतमाम करो, इस साइड में एक नमाज है, इस साइड में दो नमाज है। वह ज़ुल्फ मिनल लैल, और रात के कुछ हिस्से में नमाज का एहतमाम करो, ये मगरिब और ईशा है। फरमाया अगर ये पाबंदी से तुम पांच नमाजें रेगुलर पाबंदी से एहतमाम के साथ पढ़ोगे, सिर्फ नमाज पढ़ लेना नहीं, एहतमाम के साथ पढ़ोगे, तो इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, ये जो नेकियां हैं तुम्हारी बुराइयों को मिटा देंगी। ये तो वो कल वाली बात है जिसमें थोड़ी सी गलती हुई थी, इसलिए मैंने उसकी इसलाह की। अब आज की गुफ्तगू शुरू करता हूं। ये बात सभी हजरात जानते हैं, कोई भी कोई नौजवान हो शायद न जानता हो, बाकी हर आदमी जानता है कि कुरान करीम में जो सबसे पहली वही नाजिल हुई है वो पांच आयतें नाजिल हुई है, और वो पांच आयतें सूरे अलक के शुरू की पांच आयतें हैं। ये सबसे पहली वही, जो पहली बात होती है, जो सबसे पहली बात होती है, उसमें दो बातों का लिहाज होता है। एक निहायत मोहतम बिशान, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले वो बात बताई जाए, उसका एहतमाम, जो सबसे ज्यादा अहम बात है वो सबसे पहले बताई जाए। और दूसरा इसका एहतमाम होगा कि शुरू में बहुत आसान बात बताई जाएगी, जिसको बेतकल्लुफ फौरन समझ ले, उसको कुछ ज्यादा समझाना ना पड़े। तो जब कुरान की पहली वही आ रही है तो उस पहली वही में निहायत आसान बात है, कोई समझाने की जरूरत नहीं है, और जो सबसे ज्यादा अहम बात है वो बतलाई गई। निहायत आसान है ये तो जब मैं इन पांच आयतों का तर्जमा करूंगा तो आपकी समझ में खुद ही आ जाएगा कि ये बहुत आसान बात है, ये कोई बहुत मुश्किल गहरी बात नहीं है। अलबत्ता ये कि सबसे पहली वो बात जो सबसे ज्यादा अहम है वो क्या है? सबसे पहला पैगाम जो अल्लाह की तरफ से बंदों के पास आया है वो आया है रीड, पढ़, इकरा। सबसे पहला लफ्ज आया है, जो वही का पहला कलेमा आया है वो है इकरा, रीड, पढ़। मालूम हुआ कि पढ़ने की बहुत ज्यादा अहमियत, पढ़ने की बहुत ज्यादा अहमियत है। आज तो दुनिया नॉलेज की अहमियत से वाकिफ हो गई। ये तो वही आ रही है आज से 1400 साल पहले, जब पढ़ने की अहमियत से कोई वाकिफ नहीं था, पढ़ने की अहमियत से कोई वाकिफ नहीं था, बल्कि न पढ़ा हुआ होना तुर्रे इम्तियाज था। उम्मी होना, उम्मी होना न पढ़ा हुआ होना, अंगूठा छाप होना, उम्मी होना अंगूठा छाप होना, ये तुर्रे इम्तियाज था। और बड़े फख्र से कहा करते थे अरब, हम उम्मी हैं। हालांकि इसको कौन फख्र का लकब समझेगा, मगर उन्होंने अपने लिए फख्र का लकब समझेगा, हम अनपढ़ हैं, हम पढ़े हुए नहीं। तो जिस वक्त में न पढ़ा हुआ होना ये तुर्रे इम्तियाज समझा जाता था, उस वक्त में जो वही का पहला कलेमा आया वो आया कि इकरा, पढ़। न पढ़ना ये कोई कमाल नहीं है, तो इग्नोरेंस है, जहालत है। पढ़ना ये कमाल है इंसान का।
पढ़ना तो बड़ा मुश्किल काम है, पढ़ना तो बड़ा मुश्किल काम है, बेशक। आप हजरात तो मदरसों में स्कूलों में नहीं आए, जरा मदरसों के करीब जाकर देखो, स्कूलों के यूनिवर्सिटियों के करीब जाकर देखो, सबसे मुश्किल काम दुनिया में पढ़ना है। क्योंकि हमारी तो पूरी जिंदगी पढ़ने पढ़ाने में है, इसलिए हमें हम जानते हैं बच्चे से जो काम लेना हो, बोरियां उठवा दो, रक्षा चल खिंचवा दो, कितना भी मशक्कत का काम कर, बड़े शौक से कहेगा कि सबक लेकर पढ़ने बैठ, बस तेल मक्खी में गिरी, मक्खी तेल में गिरी, बस पढ़ने का नाम लिया, बच्चे को अगर शरारत करता है कायदा लेकर बैठ जा, शरारत छोड़ देगा, कायदा लेकर बैठ जा इतना कह दो, बच्चे शरारत छोड़ देगा। पढ़ना सबसे ज्यादा मुश्किल है। और आप जानते हैं, कल मैंने हदीस बतलाई थी कि हर अहम काम अल्लाह के नाम से शुरू किया जाए तो अल्लाह के नाम की बरकत आती उसमें। लिहाजा अल्लाह ने फरमाया कि अगर ये काम बड़ा अहम है और बड़ा मुश्किल तुझे मालूम होता है तो पढ़ बिस्म रब्बिक, तेरे परवरदिगार के नाम से पढ़, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में जो बा है ये इल्साक की और इस्तियानत के माना देती है, यानी हेल्प लो, ये काम मुश्किल है, मैं अकेला नहीं कर सकता तो दूसरे की हेल्प लो। तो कोई भी अहम और मुश्किल काम हो तो आप अल्लाह की हेल्प लें, मदद लें, अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाएगी, फिर कोई काम मुश्किल नहीं। तो फरमाया ये बा इस्तियानत की है, पढ़ तेरे परवरदिगार के नाम से पढ़, तेरे परवरदिगार के नाम की हेल्प से पढ़, उनसे इस्तियानत मदद लेकर पढ़, फिर तेरे लिए पढ़ना मुश्किल नहीं रहेगा। ये तो तू अल्लाह से मदद नहीं मांगेगा, तू खुद अपने बलबूते पर पढ़ना चाहेगा तो तुझे बहुत मुश्किल मालूम होगा, लेकिन अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाएगी, फिर पढ़ना कोई मुश्किल नहीं। कहते हैं मकतबे इश्क का अंदाज निराला देखा, मकतबे इश्क का अंदाज निराला देखा, उसे छुट्टी न मिली जिसे सबक याद हो, उसे छुट्टी न मिली जिसे सबक याद हो। अल्लाह की मदद लेकर पढ़ना शुरू करो और अल्लाह की मदद शामिल हो गई और फिर पढ़ना ऐसा आसान है कि फिर जिंदगी खत्म हो जाएगी, वो किताब नहीं छोड़ सकता। अल्लामा शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया का एक किस्सा लिखा है, आखिरी उम्र में जब मर्ज़े मौत में मुब्तिला हुए, आखिरी बीमारी में हुए, तो दस्तों की बीमारी हजरत को हो गई थी और बार बार दस्तों बैतुल खला में जाना पड़ता। अब बार बार बैतुल खला में जाएं और दस्तों की जब बीमारी होगी तो बैतुल खला में बैठना भी बहुत पड़ेगा, तो अब इतनी देर किताब पढ़ना कैसे बंद कर, बैतुल खला में जितनी देर रहें और बार बार जाना पड़ रहा है और बहुत देर बैठना पड़ रहा है तो कैसे बनकर। तो कहते हैं उनके हालात में लिखा है कि उन्होंने एक अपना एक तालिब इल्म शागिर्द बेहतरीन तैयार किया था, जब तक बैठे होते थे खुद मुताला करते थे और जब उन्हें इस्तिंजा जाता था फिर उसको देते कि देख यहां से पढ़, तो वो जोर से पढ़ता था और वो बैतुल खला में जानते थे और ये जोर से पढ़ता था और सुनते रहते, उसने तीन चार सफे वहीं सुना है, बैतुल खला में सुन रहे, जब आते थे तो फिर आगे मुताला शुरू करते। जब पढ़ना शुरू हो जाता, अल्लाह की मदद से पढ़ना आसान हो जाता है तो फिर ये सूरत हाल हो जाती।